सो इस TVS Apache RTR 160 का न्यू मॉडल आ गया है और न्यू मॉडल की वीडियो ऑलरेडी आपने देखी होगी, बट ये जो व्हाइट कलर है ना, ये मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक से भी अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें जितने भी चेंजेस है ना, वो उभर के दिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप ये वेंट्स देखो, लाइक अभी जो है डिज़ाइन दिया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद व्हाइट कलर जो है ना एवर ग्रीन कलर है, मतलब थोड़े वो स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गए या फिर कहीं पर भी आ गए, वो दिखते नहीं है इतनी जल्दी। बाकी जो ब्लैक कलर वगैरह है उनमें क्या है, नीचे से व्हाइट निकल आता है तो फिर वो जल्दी से दिख जाते हैं। तो ये कलर ऐसा है, मतलब इसको भाई आप परचेज करो, कभी मतलब सर दर्द ही नहीं बनेगा। तो वो सीन, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट बाइक यही ली थी और इसी कलर में ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक पूरा वॉक अराउंड रिव्यू, एंड ऑन रोड प्राइस भी जो है इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में जो है DRL मिलेगी, बिल्कुल वही जो पहले मिलती थी। इनको जो है कभी चेंज करेगी भी नहीं TVS, क्योंकि भाई ये जो डिज़ाइन है ना जबरदस्त लगती है। नीचे लाइक LED हेडलैम्प है, ऊपर भी LED हेडलैम्प है, ऊपर हाई बीम है, नीचे लो बीम है, तो ये भी जो अच्छी लग रही है। उसके बाद साइड्स में वेंट्स दे दिए हैं, डिज़ाइन दे दिए हैं, जिससे कि भाई बाइक की लुक और अच्छी निकल के आती है। उसके बाद साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपको लाइक इंजन के ऊपर जो है अपना टैंक के ऊपर ये आपको देखने मिलेगा, लाइक कवर टाइप सा, तो ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, मडगार्ड है प्लास्टिक में, कोई ड्यूअल फिनिश नहीं है, सिंगल फिनिश में आपको मिलता है। सुपर मोटो ABS की स्टिकरिंग मिल जाएगी, और कंपनी से एक रिक्वेस्ट है वैसे यार कि ये जो सस्पेंशन है थोड़े से मोटे और हो सकते थे, बट स्टिल ये भी काफ़ी अच्छी एज आपको दे देते हैं, मतलब 2-3 साल तक इनका भी कुछ नहीं बिगड़ता, और बाकी आपके चलाने पर डिपेंड करता है। बाकी जो है इस फ्रंट में आपको ABS मिल जाता है, सिंगल चैन ABS मिलता है, इसमें ड्यूअल चैन ABS नहीं आता है, और ना ही इस सेगमेंट में कोई बाइक आपको जल्दी से देती है। तो यहाँ पे क्या है ना, अपने को ये डिस्क ब्रेक मिलता है, और ये जो डिस्क ब्रेक है ना, मतलब ऐसे डिज़ाइन में है, इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद यहाँ पे अपने को TVS के ही जो है टायर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 80-90 सेक्शन का जो आपको इसमें टायर मिलता है, तो 90 सेक्शन का जो यहाँ पे टायर मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो। तो 90 सेक्शन का फ्रंट में टायर, पीछे 120 सेक्शन का है। और अभी चलते हैं साइड में, तो यहाँ पे जो है नए इंडिकेटर दे दिए, 164V वाले इंडिकेटर दे दिए इसमें, हैलोजन इंडिकेटर्स। पहले जो इसमें काफ़ी बड़े बड़े आते थे, बिल्कुल ये वाले, तो ये जो है अच्छे नहीं लगते थे, बट अभी जो है ना आपको छोटे छोटे मिलते, काफ़ी क्यूट से लगते हैं ये देखो, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। साइड प्रोफाइल में तो यहाँ पे अपने को 12 लीटर्स का टैंक मिल जाता है, डिज़ाइन सेम है, बट ये जो लाइक कावल लगाने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन है ये अभी ऐड कर दिया गया है। RTFI की स्टिकरिंग है, रेस ट्यून्ड FI इंजन, तो वो सब है। उसके बाद में यहाँ पे 160cc का इंजन मिलता है, जो कि लगभग 16 PS की पावर, 13.8 Nm का टॉर्क, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देता है, 130+ जो है टॉप स्पीड भी दे देगा, और 5-speed का गेयरबॉक्स इसमें दिया गया है, और एयर कूलिंग के साथ में आपको मिलेगा। नीचे जो है काफ़ी स्पोर्टी इंजन कावल है, ये भी जो है चेंज कर दिया, लाइक जो फ्रंट ग्रिल है ना वो यहाँ पे डिफरेंट है, अभी जो है ये अच्छा लगता है, देखने में जो काफ़ी सही लगता है। TVS रेसिंग की यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह दी गई है। यहाँ जो है ड्यूअल हॉर्न मिलेंगे, एक येरा एक वोरा, तो ड्यूअल हॉर्न यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। ये जो है अपना लेग गार्ड है, तो ये भी जो है भाई काफ़ी दमदार है, मतलब बाइक को भाई कुछ नहीं होने देता, यदि बाइक गिर जाती है ना तो ये सब सेफ रहते हैं इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे एक कवर टाइप से दिया गया है इंजन के ऊपर, तो ये भी सही लग रहा है, पहले भी आता था। उसके बाद फ्रंट फुटरेस्ट यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं, ये रियर ब्रेकिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त है, ABS नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। और इसमें जो है पीछे डिस्क नहीं है, डिस्क वाला मॉडल भी आता है, ये सबसे बेसिक वाला मॉडल, जिसमें पीछे अपने को लाइक ड्रम ब्रेक मिलेगा और फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो रियर जो लाइक फुटरेस्ट आप देख सकते हो, जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है, मफलर है, वो आप देख सकते हो, बिल्कुल नया दे दिया है। उसके बाद में सिंगल सीट यहाँ पे अपने को मिलती है, यहाँ पे Apache की स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ से पैनल खुल जाता है, और यहाँ RTR 160 की जो है स्टिकरिंग आपको देखने मिलेगी। सिंगल सीट है, कुशनिंग भी जो है ठीक ठाक है, फ्रंट ज़्यादा सॉफ्ट है, पीछे थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, पर ठीक है, आपको जो है कम्फर्ट अच्छा खासा दे देगी। उसके बाद स्प्लिट ग्रैबरेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीछे जो है ना स्मोकी कलर की जो है टेल लाइट कर दिए, और LED DRLs जो अभी दे दिए पीछे, लाइक ये जो स्ट्रिप है ना ये दे दिए, पहले डिफरेंट आती थी, अभी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। और यदि मैं इसको ऑफ कर दूँ ना तो और अच्छा डिज़ाइन आता निकल के, मतलब जब ऑन नहीं होती ना लाइट तब भी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखो बिल्कुल स्मोकी टाइप की बना दी है यहाँ पे, तो ये इसकी LED लाइक जो है टेल लाइट दे दी है। इंडिकेटर हैलोजन, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी, पीछे 120 सेक्शन का टायर है, स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं नाइट्रोक्स। उसके बाद इस साइड में आऊँ तो सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे जो अपने को साड़ी गार्ड मिल जाता है, MIG के जो सस्पेंशन है पीछे, और सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों यहाँ पे आपको मिलेंगे।
साइड सीन कट ऑफ फीचर के साथ में अपने को मिल जाता है। और ये जो अपना इंजन हो गया 160 सीसी का, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, माइलेज देता है 45 से 50 तक की। एंड ये जो इंजन है ना, लाइक माइलेज आपको बेस्ट निकाल के देगा सेकंड सर्विस के बाद। उससे पहले हो सकता है थोड़ी कमी देखने को मिले, बट उसके बाद जबरदस्त माइलेज देता है। और ये जो काउल है ना, सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ड्यूअल फिनिश में दे दिया ब्लैक एंड व्हाइट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। उसके बाद ये जो काउल इस साइड भी आपको देखने मिलेगा, और 12 लीटर का अपना टैंक है, तो यहाँ से अपन टैंक फिल करा सकते हैं लाइक पेट्रोल वगैरह। उसके बाद ये डिजिटल इसमें कंसोल दे दिया, ये पासिंग लाइट है इसकी, आई बीम लॉबी में, ये इंडिकेटर का है, ये हॉर्न है, लाइक ड्यूअल हॉर्न है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। इग्निशन का बटन है, इसमें जो मोड्स मिल जाते हैं तीन, स्पोर्ट्स, रेन एंड जो हॉर्बन, तो तीन यहाँ पे आपको मोड मिल जाएंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ जो है एग्जॉस्ट लाइक सुनाने के लिए आपके लिए बटन दिया है, तो कहने का मतलब सेल्फ का बटन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। तो साउंड वगैरह भी जो है ज़बरदस्त है, एज ऑलवेज जो पहले अपने को मिलती साउंड बिल्कुल वैसी है। उसके बाद प्रीमियम जो है लीवर्स यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं, और बीच में जो ये RTR 160 का पूरा लोगो दिया गया है, भाई ज़बरदस्त लगता है सीरियसली। स्टार्टिंग से ले अब तक सेम डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा है। क्लिप ऑन हैंडल बार अपने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग हैंडलिंग है इसकी। दो बटन यहाँ पे अपने को मिलेंगे सेट और मोड के, तो यहाँ से लाइक और भी डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसे ऊपर RPM मीटर है, बीच में स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे ऑडोमीटर है, नीचे जो है मोड्स दिखाते हैं, फ्यूल मीटर दिखाते हैं, साइड सीन कट ऑफ, न्यूट्रल, लो फ्यूल, ABS एंड जो है फंक्शन लाइट वगैरह, ये सब अपने को दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद जो है मोड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो Trip 1B वगैरह ये सब आ जाता है, या स्पीड आ जाती है, ये जो है 60 टाइमिंग वगैरह आप नोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार इसके अंदर। बाकी ये जो है इसका बेसिक मॉडल, सबसे बेस मॉडल, टॉप मॉडल भी आता है। टॉप मॉडल में क्या होता है ना कि अपने को और भी काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे, जैसे स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी फीचर वगैरह, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो वो सारे जो अपने को टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं। तो अभी जो है प्राइस आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस वगैरह क्या रखी है कंपनी ने। बेसिक जो प्राइस है ना यार बेस मॉडल की, मतलब सबसे सस्ती RTR 162V है, जिसमें तीन मॉडल आते हैं, एक जो है ड्रम वाला मॉडल सबसे नीचे वाला, उसके बाद इसमें पीछे डिस्क आ जाते हैं, थर्ड जो है जिसमें स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी आ जाती है। तो इसकी जो प्राइस है ना 1,43,000 के करीब है। तो 1,43,000 में जो आपको ऑन रोड देखने मिलेगी सारे पेपर्स वगैरह मिला के, उसके अलावा आपको एक रुपये भी पे नहीं करना, बाकी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होती रहती है। और यदि आप मेरे थ्रू आते हो ना, तो भाई आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा सिमरन TVS से, गुड़गांव से। तो आप मेरा नाम लेना कि भाई दीपक भाई की वीडियो देखी थी MRD ब्लॉग से, और तब हम जो है यहाँ पे आए, तो आपको जो है 1,000-1,500 रुपये का और डिस्काउंट मैं दिला दूंगा। तो ये था यार आज की वीडियो में छोटा सा रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।